नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जसपा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की बधाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ मिलकर के किसान मजदूर और कमेरे वर्ग के हितों की रक्षा करेंगे। सत्ता में कुर्सी के लालच के लिए नहीं आए हैं, हर वर्ग का विकास होगा। उन्होंने कहा कि अपने काम के विरोधियों को जवाब देंगे। पल पल शीर्षक से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। उन्होंने मंत्रिमंडल के विस्तार पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला दुष्यंत चौटाला अमित शाह करेंगे। दिग्विजय सिंह चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोलते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि उसका भाई चाचा भाजपा के साथ पुराना रहा है, यानी बीजेपी के साथ हमारा पुराना रिश्ता रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ तो फिगर नहीं है और हुड्डा जेल वाले हैं, इसी डर से हुड्डा बहकी बहकी बातें कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के हम घोर विरोधी हैं। इससे पहले सुबह उन्होंने एक बयान दिया था कि हुड्डा जेल के लिए तैयार है। अब देख रहे हैं पलपल की एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के किसान गरीब मजदूर के घर में आज दिवाली पर दिवाली जो है खुशहाली लेकर के आई है, खुशियाँ लेकर के आई है। चौधरी गोपाल जी के विचारों में विश्वास रखने वाले लोगों पर आज खुशी का माहौल है। जो मैंडेट 15 लाख लोगों ने, 15 से ज़्यादा लाख लोगों ने, 20 लाख लगभग लोगों ने, 15% हरियाणा प्रदेश की जनता ने दुष्यंत चौटाला के पक्ष में वोट डालकर 10 सीटें दुष्यंत को जिम्मेदारी के तौर पर देकर एक नए सूरज को उदय किया, एक नई शुरुआत की। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता का आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं उन्हें देता हूँ और अब मैं ये उम्मीद भी इस शुभ दिवाली के अवसर पर करता हूँ कि जिन विषयों को लेकर के हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाई है, दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल जी दोनों मिलकर के, चाहे वो किसान की कर्जे माफी की बात हो, चाहे नौजवान के 75% आरक्षण की बात हो, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन को 5100 करने की बात हो, हरियाणा प्रदेश में लोगों को सुरक्षा का बहाल देने की बात हो, महिलाओं का सम्मान हो, व्यापारियों को सुरक्षा मिले, हर वर्ग 36 बिरादरी चाहे खेल खिलाड़ी की बात हो, हर वर्ग की अब सुनवाई चंडीगढ़ में होगी और अगले 5 साल बड़ी मजबूती से मिलजुल करके इन सभी वर्ग जिनकी मैंने बात की उन सबके मुद्दों को जमीनी हकीकत बनाने का काम ये दोनों लोग चंडीगढ़ में मिल बैठकर के करेंगे। और ये तो एक शुरुआत है, मैं मानता हूँ जननायक जनता पार्टी पर जो विश्वास कायम हरियाणा प्रदेश के लोगों का हुआ, आने वाले 5 सालों में हमने इस पार्टी का विस्तार भी हमने प्रदेशों में करना है, हमें प्रदेशों तक इसको लेकर के जाना है, उस काम पर हम मिल जाएंगे। जसपा के कौन से दुष्यंत जी के बीच में होंगे और आदरणीय अमित शाह जी के बीच में और मनोहर लाल जी के बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि कौन से मंत्री, क्योंकि सरकार एक आदमी नहीं चला सकता और ना ही आज की सिचुएशन में कोई पार्टी सरकार चला सकती है, तो मिलजुल के सरकार चलानी पड़ेगी और मिलजुल के तभी सरकार चलती है जब अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की हो। और मैं मानता हूँ कि मनोहर लाल जी की और दुष्यंत की अंडरस्टैंडिंग, चाहे पार्टियों का नाम अब अलग हो मगर जो ये मुद्दे हैं इन पर अंडरस्टैंडिंग एक होगी और जब अंडरस्टैंडिंग एक होगी तो फिर चाहे मंत्री की संख्या कुछ भी हो वो ज़्यादा मायने नहीं करता कि कौन सी पार्टी के किसके ज़्यादा मंत्री हैं किसके कम हैं। अब तो मिलजुल करके हमारा मकसद सत्ता में आकर सुख भोगना नहीं है, तो लोग लालच कुर्सी का नहीं है, हमारा मकसद केवल मात्र जो है इस आज के दौर में बीजेपी के साथ आने का केवल मात्र इतना है कि हम गरीब किसान और मजदूर के हितों की रक्षा आज कर सके और चंडीगढ़ में सत्ता का हिस्सेदार और भागीदार इस वर्ग को बना सके। चंडीगढ़ में आपकी सोच को रखने वाला व्यक्ति सेक्रेटरियट में बैठे, इसीलिए हमने इनके साथ समझौता बीजेपी के साथ किया। पहले भी हमारा समझौता बीजेपी के साथ है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर रहा है और आज भी ये हुआ है। मैं इसको सकारात्मक दिशा में देखता हूँ। मैंडेट फ्रैक्चर रहा, 40 सीटें उन्हें मिली, 10 सीटें हमें मिली, कुछ निर्दलियों को मिली, कुछ कांग्रेस को मिली, हालात परिस्थितियाँ ऐसी बन गई सरकार के अंदर भागीदार बनकर कुछ काम हो सकता है। तो मैं मानता हूँ फैसला दुष्यंत जी ने लिया, आज उसकी चारों तरफ सराहना। मुझे हुड्डा का कहना है कि वोट किसी की सपोर्ट किसी की, हुड्डा को तो एक बात का पता है जो तुमने चौटाला साहब और अजय सिंह जी के साथ किया था, जो फसल बोई थी अब उसको काटने का समय आ गया, भूपेंद्र हुड्डा को जेल जाना होगा, इसमें कोई गुराय नहीं। और जैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हरियाणा की सभाओं में कह करके गए थे कि वो लोग आज जेलों की चौखट पर खड़े हैं,
तो इसलिए भूपेंद्र हुड्डा को ये लगता है कि अब तेरी दाल तो गली नहीं, इसलिए अब तेरे को जेल ना जाना पड़ जाए, इसलिए वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश का गरीब किसान और मजदूर आज खुशी मना रहा है, तो भूपेंद्र हुड्डा के पेट में दर्द हो रहा है, आप इसी से जान सकते हैं कि उसके क्या कारण रहे होंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि अजय सिंह को पेरोल भी क्यों मिले, किसी का बेटा मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले मुख्यमंत्री, और भूपेंद्र हुड्डा का ये कहना ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनको तो मेरे पिताजी भी जेल से बाहर आए हुए कसम नहीं, क्योंकि जेल में बनवाने का काम भूपेंद्र हुड्डा ने किया, और अब वो सब कुछ भूपेंद्र हुड्डा को अपने पर आता है नजर आ रहा है, इसलिए वो तो उनको तैयार रहना ही चाहिए, इसमें तो कोई डराए नहीं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। हरियाणा के किसान गरीब और मजदूर के घर में आज दिवाली पर दिवाली जो है खुशहाली लेकर के आई है, खुशियाँ लेकर के आई है। चौधरी गोविंदलाल जी के विचारों में विश्वास रखने वाले लोगों पर आज खुशी का माहौल है। जो मैंडेट 15 लाख लोगों ने, 15 से ज़्यादा लाख लोगों ने, 20 लाख लगभग लोगों ने, 15% हरियाणा प्रदेश की जनता ने दुष्यंत चौटाला के पक्ष में वोट डालकर 10 सीटें दुष्यंत को जिम्मेवारी के तौर पर देकर एक नए सूरज को उदय किया, एक नई शुरुआत की। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता का आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, शुक्रगुजार हूँ, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं उन्हें देता हूँ। और अब मैं ये उम्मीद भी इस शुभ दिवाली के अवसर पर करता हूँ कि जिन विषयों को लेकर के हमने बीजेपी के साथ ये सरकार बनाई है, दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल जी दोनों मिलकर के, चाहे वो किसान की कर्जे माफी की बात हो, चाहे वो नौजवान के 75% आरक्षण की बात हो, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन को 5100 करने की बात हो, हरियाणा प्रदेश में लोगों को सुरक्षा का बहाल देने की बात हो, महिलाओं का सम्मान हो, व्यापारियों को सुरक्षा मिले, हर वर्ग 36 बिरादरी, चाहे खेल खिलाड़ी की बात हो, हर वर्ग की अब सुनवाई चंडीगढ़ में होगी, और अगले 5 साल बड़ी मजबूती से मिलजुल करके इन सभी वर्ग जिनकी मैंने बात की, इन सब के मुद्दों को जमीनी हकीकत बनाने का काम ये दोनों लोग चंडीगढ़ में मिल बैठ करके करेंगे। और ये तो एक शुरुआत है, मैं मानता हूँ जननायक जनता पार्टी पर जो विश्वास कायम हरियाणा प्रदेश के लोगों का हुआ, आने वाले 5 सालों में हमने इस पार्टी का विस्तार भी हमने प्रदेशों में करना है, हमें प्रदेशों तक इसको लेकर के जाना है, उस काम पर हमें मिल जाएंगे। मंत्री जसपा के कौन से दुष्यंत जी के बीच में होंगे, और आदरणीय अमित शाह जी के बीच में और मनोहर लाल जी के बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि कौन से मंत्री, क्योंकि सरकार एक आदमी नहीं चला सकता, और ना ही आज की सिचुएशन में कोई पार्टी सरकार चला सकती है, तो मिलजुल के सरकार चलानी पड़ेगी, और मिलजुल के तभी सरकार चलती है जब अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की हो। तो मैं मानता हूँ कि मनोहर लाल जी की और दुष्यंत की अंडरस्टैंडिंग, पार्टियों का नाम अब अलग हो मगर जो ये मुद्दे हैं इन पर अंडरस्टैंडिंग एक होगी, और जब अंडरस्टैंडिंग एक होगी तो फिर चाहे मंत्री की संख्या कुछ भी हो वो ज़्यादा मायने नहीं करता कि कौन सी पार्टी के किसके ज़्यादा मंत्री हैं किसके कम हैं। अब तो मिलजुल करके हमारा मकसद सत्ता में आकर सुख भोगना नहीं है, तो लोग लालच कुर्सी का नहीं है, हमारा मकसद केवल मात्र जो है इस आज के दौर में बीजेपी के साथ आने का केवल मात्र इतना है कि हम गरीब किसान और मजदूर के हितों की रक्षा आज कर सकें, और चंडीगढ़ में सत्ता का हिस्सेदार और भागीदार इस वर्ग को बना सकें। चंडीगढ़ में आपकी सोच को रखने वाला व्यक्ति सेक्रेटरियत में बैठे, इसीलिए हमने इनके साथ समझौता बीजेपी के साथ किया। पहले भी हमारा समझौता बीजेपी के साथ है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर रहा है, और आज भी ये हुआ है। मैं इसको सकारात्मक दिशा में देखता हूँ, मैंडेट फ्रैक्चर रहा, 40 सीटें उन्हें मिली, 10 सीटें हमें मिली, कुछ निर्दलियों को मिली, कुछ कांग्रेस को मिली, हालात परिस्थितियाँ ऐसी बन गई सरकार के अंदर भागीदार बनकर कुछ काम हो सकता है, मैं मानता हूँ फैसला दुष्यंत जी ने लिया, आज उसकी चारों तरफ सराहना। मुझे हुड्डा का कहना है कि वोट किसी की सपोर्ट किसी की, हुड्डा को तो एक बात का पता है कि जो तुमने चौटाला साहब और अजय सिंह जी के साथ किया था, जो फसल बोई थी उसको काटने का समय आ गया, भूपेंद्र हुड्डा को जेल जाना होगा, इसमें कोई बुराई नहीं। और जैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हरियाणा की सभाओं में तय करके गए थे कि वो लोग आज जेलों की चौखट पर खड़े हैं, तो इसलिए भूपेंद्र हुड्डा को ये लगता है कि तेरी दाल तो गली नहीं, इसलिए अब तेरे को जेल ना जाना पड़ जाए, इसलिए वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं।
हरियाणा प्रदेश का गरीब किसान और मजदूर आज खुशी मना रहा है और भूपेंद्र हुड्डा के पेट में दर्द हो रहा है। आप इसी से जान सकते हैं कि उसके क्या कारण रहे होंगे। मैं तो ये कह रहे हैं कि अजय सिंह को पेरोल भी क्यों मिले? किसी का बेटा मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले, मुख्यमंत्री, और भूपेंद्र हुड्डा का ये कहना ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनको तो मेरे पिताजी भी जेल से बाहर आए हुए पसंद नहीं, क्योंकि जेल में डलवाने का काम भूपेंद्र हुड्डा ने किया और अब वो सब कुछ भूपेंद्र हुड्डा को अपने पर आता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए वो तो उनको तैयार रहना ही चाहिए, इसमें तो कोई डराए नहीं, उनको शुभकामनाएं।